कोई दिक्कत। शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा सोनभद्र में आज संत निरंकारी मिशन के स्वयंसेवी आकर के पौधों की देखभाल, उनकी कटनी छटनी, साफ सफाई और उनको कोड़ा देना, पानी देना, ये सब कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर गुरुजी आदरणीय श्री माता प्रसाद पाठक जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। आपसे हम चाहेंगे कि प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में जो आप लोगों की स्वयं सेवा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में दास आपको ये बताना चाहेगा कि सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब शरीर में थे, इस वक्त तो नहीं हैं, उस समय ये 23 फरवरी का दिन निर्धारित करके उन्होंने ही इस संसार के संरक्षण के लिए कि जो प्राकृतिक प्रदूषण बढ़ रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए, ताकि मानवता का संरक्षण हो सके, बचाव हो सके, और जो ऑक्सीजन की कमी इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हुई उस तरफ ध्यान करके और भी इस पर विशेष वननेस वन का निर्धारण किया गया कि हर नगर में, शहर में, जहाँ कहीं भी महात्मा हैं, वो जो ज़मीन सरकार की है या कोई ऐसा अपना उनका प्लाट है जिसमें कि पौधारोपण किया जा सकता है, तो उसे लगाया जाए और उसका देखभाल भी 3 साल तक बतौर गार्जियन किया जाए और वो फिर मानवता को समर्पित कर दिया जाए, ताकि उसके द्वारा जो ऑक्सीजन निकलेगी और जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी और मानवता को सांस लेने की सुरक्षा प्रदान होगी प्रकृति के द्वारा। तो इस तरह के सारे काम और जितने भी तरह के इस तरह की आपदाएं आती हैं जो प्राकृतिक हैं या और किसी भी तरह की, उसमें भी ये संत महात्मा सेवा करते हैं। ये सेवा करने का इनका उद्देश्य और कारण है कि ये जो एक ईश्वर का नाम लिया जाता है सद्गुरु के द्वारा, ब्रह्मज्ञान सारे संसार को दिया जा रहा है, और ये जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य, उसको सारा संसार अपना परिवार दिखाई पड़ने लगता है, फिर मानने कहने की बात नहीं रह जाती, फिर वो देखता है कि ये समूचा विश्व और जो मनुष्य रूप में यहाँ इंसान हैं वो सभी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे ही परमात्मा का ये वास्तविक रूप है। तो इस प्रकार से जब ये देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो ये सभी जो गुरु का हुक्म आता है इस संसार को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, उसके लिए ये कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से आज का दिन ये मानवता को समर्पित किया गया है। दास प्रार्थना करेगा सदगुरु से कि आपका दिया हुआ आदेश आपके सभी भगत, सभी बच्चे पूरा कर रहे हैं, इनके जीवन में तन की, मन की, धन की सारी खुशियां बख्श देना प्रभु, और ये इसी तरह से इस संसार के संरक्षण में अपना पूरा योगदान देते चले जाएं। सत्संग जी धन्यवाद जी, सदगुरु भगवान की जय। संत निरंकारी मिशन के स्वयंसेवी सोनभद्र जिले के ओबरा में स्थित शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज में साफ सफाई, विशेषकर प्रकृति के प्रति इन लोगों का अनन्य प्रेम, आप देख रहे हैं जो पौधे लगे हुए हैं अब बीच की शक्ल में होते जा रहे हैं। आप लोग हमको लगता है पौधरोपण भी करेंगे क्या? अच्छा, और ये जो वृक्ष लगे हैं इनकी साफ सफाई, पेड़ों के नीचे कोड़ा देना, आप देखें ये रहा, और आप यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं। गर्मी के दिन में बड़ा कठिन काम होता है गड्ढा खोदना, फिर भी आप लोगों की लगन स्तुत्य है। चलते हैं दिखाते हैं, आप देखते रहें किस तरह से इधर आप लोगों ने छटाई भी किया है जिससे पौधों का ग्रोथ हो, बढ़े और झाड़ झंखाड़ से निजात भी मिले। देखें एक तरफ से, और आप लोग पानी भी बाल्टी से ला रहे हैं। पहले हम आप लोगों को दिखा दूं पूरा, जरूरी है वृक्ष, प्राण वायु ऑक्सीजन इसी से प्राप्त होता है। आप लोगों ने इन छोटे छोटे वृक्षों को भी आसपास साफ सफाई की और
पानी दिया है, देख लें। इंसान जैसे अपनी खूबसूरती के लिए ब्यूटी पार्लर इत्यादि में जाता है, उसी तरह से समय समय पर बिच्छू की देखभाल भी आवश्यक होती है। अभी से नन्हा मुन्हा बच्चा लगा हुआ है और यही समय होता है कि जब बच्चों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम देखें, साफ सफाई में लोग लगे हुए हैं। और शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज जो परिसर है, हम आपको बता दूं कि राम मंदिर कॉलोनी के मध्य स्थित है और यहाँ से इस तरह से कहा जाए ऑक्सीजन की आपूर्ति आसपास लोगों के लिए होती है। देखें हवा के झोंके से या किसी भी तरह से पेड़ इसकी देखभाल कर रहे हैं आप, कैसे करेंगे, बांधेंगे इसको जोड़ के? अच्छा देख लें आप, हवा के झोंके से हो सकता है कि चंचल प्रवृत्ति के बच्चे होते चढ़ गए हों, टूट गया, कुछ भी हुआ होगा। देखिए किस तरह से इसकी सुरक्षा के लिए लगे हैं लोग। आप ये देखते हैं ये वृक्ष पौधे धीरे धीरे वृक्ष की शक्ल में आ रहे हैं। इसी ऑक्सीजन के लिए कोरोना काल में लोगों की जानें चली गई, वो अलग विषय, सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन सच्चाई तो ही थी। इसलिए विविध प्रकार के वृक्ष हैं, देख लें आप। अरे इसको निकाल दीजिए महाराज, वो कोई काम का चीज नहीं है, वो पौधा भी नहीं है, छाया भी नहीं है, इसको यहाँ सब सही आप लोगों का यह कार्य स्तुत्य है। और जो लोग भी इस वीडियो को देखें तो उनसे उम्मीद हम करेंगे कि कम से कम प्रकृति के प्रति उनके मन में भी प्रेम हो। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति एक दो मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता, फिर भी इंसान भौतिकवादी सुख सुविधाओं के चक्कर में जो आवश्यक चीज़ें हैं उससे दूर होता जा रहा है। इन सब का ख्याल रखना होगा और आप लोगों का यही संत निरंकारी मिशन के लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आते हैं और पिछले कई वर्षों से हमने देखा है इन लोगों को कि इस अभियान में लोग लगे रहते हैं निस्वार्थ भाव से, इससे हम संतुष्टि मिलती है। विशेषकर उन लोगों को जो लोग पक्के मकान बनाते हैं और थोड़ी सी जमीन कच्ची नहीं छोड़ते, हमें जानना चाहिए जैव विविधता के लिए आवश्यक है कि हम जमीन को कच्ची छोड़ें, घास फूस भी रहे। हम जितना ही नज़दीक प्रकृति के होंगे उतने ही सुकून से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। जय हिंद जय भारत, पूरी टीम इनकी लगी हुई है, देख रहे हैं बाल्टी से दूर से पानी ले आ रहे हैं और पेड़ों के नीचे पानी देंगे। एक बार फिर से आप देख लें, ये रहा आप लोगों का यह कार्य स्तुत्य है, वंदनीय है।